हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। को भाई समय हो रहा है 10:05। गाइस उठा तो भाई बहुत पहले का हूं मैं, पर मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी। भाई साहब ने रात में मूवी चार्ट के भाई ऐसी बैटरी चार्टी है कि 0% चार्ज होने में 15-20 मिनट लग गया। गाइस तब चार्ज हुआ, तब जाके भाई व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। मम्मी जी बैठी हैं यहाँ पर, अम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। अब वो आलसी इंसान देखो, वो अभी तक सो रहा है, देख रहे हो, अभी तक सो रहे हैं गाइस, और लेटे लेटे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। यहाँ पापा जी कर रहे हैं भाई भगवान की पूजन, बोलो जय जय श्री राम। और गाइस आज है 14 फरवरी, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की भाई आप सबको भाई हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। सरस्वती माता की कृपा भाई आप पर ही बनी रहे और हम सब पर ही बनी रहे। बोलो जय जय सरस्वती माता की जय। क्या कर रही हो? दाल चावल धो रहे हैं, डोसा खिलाने, डोसा बनेगा, बनेगा। धो दे, चावल है, दाल है, ये सब्जी वब्जी लिए है तो सब धो। चावल है, चावल चावल है, धो रही है। चावल को क्या है? अजय उड़द की दाल है। उड़द की दाल, हाँ। तो भाई कैसे कैसे कॉम्बिनेशन रहता है ये बता दो थोड़ा। इसको एक कटोरी ये रहता है उड़द की दाल, हाँ? तीन कटोरी ये चावल रहता है। दोनों में लाकर भिगो देंगे? नहीं, दोनों अलग अलग भिगोएंगे, दोनों का अलग अलग पीसेंगे और फिर उसको फेंट के और मिला के रखेंगे। उसमें थोड़ा सा शक्कर डालेंगे, थोड़ा सा दही डालेंगे और फेंट के रख देंगे। खूब खमीर अच्छा हो जाएगा, उसको डोसा बनता है बढ़िया। तो गाइस अगले ब्लॉग में भाई डोसा मिलने वाला है। और मम्मी की है पालक और गोभी, धनिया ली है तो इसको भी धो रही है। गोभी है, पालक है, धनिया, इसको भी धोता है। अब सुनो तो, हाँ। वो डब्बा में दाल भर के रखा है चने वाली, हाँ। उसको ले आओ तो उसको भी धो देती हूँ तो शाम तक पकौड़ी बनेगी बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया बनेगी पकौड़ी। पकौड़ी की व्यवस्था भी हो गई, डोसे की व्यवस्था भी हो गई। और भाई ऐसे धोना पड़ता है जिसमें जस्ट भी निकलता है, ठीक है। मम्मी जी बहुत बढ़िया काम करती है, डोसे का भाई दाल चावल धो रही है और भिगो रही है। वाह मम्मी वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तब ना गरम गरम मिलेगा डोसा खाने को। भाई साहब जल्दी जल्दी गए, नहा धोकर हो गए हैं फुर्सत, और आज है भाई सरस्वती पूजन। तो भाई साहब कर रहे हैं सरस्वती माता की पूजा। बोलो सरस्वती माता की जय। सब काम निपटा कर नहा धोकर पूजन पाठ कर भाई हो गए हैं फुर्सत। तो हमारे यहाँ 3 दिन से बरसात वाला मौसम है, बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए हैं, धूप निकल नहीं रही है और जब चाहे तब पानी गिर रहा भाई। सुबह पानी, रात पानी, दिन पानी, बिल्कुल मौसम जो है ना छिछड़ लीडर वाला हुआ, पचड़ पचड़ भाई। ऐसा मौसम ना मेरे को बिल्कुल अजी अच्छा नहीं लगता है और समझ में नहीं आ रहा कि हम फरवरी के महीने में जी रहे कि बरसात के मौसम में जी रहे। गरम गरम लंच तैयार है और गरम गरम तपती हुई थाली भाई मेरे हाथ में, बताता हूँ बना क्या है। तो भाई दाल चावल है, दोनों को मिक्स कर लिए हैं, और आलू गोभी टमाटर की बहुत शानदार सब्जी है, मिर्चा का अचार है, और भाई पुंगा रखा है मेरा यहाँ प्लेटफॉर्म पर। और भूख लगी है भाई बहुत जोर से, क्योंकि सुबह से नाश्ता भी नहीं किए, तो फटाफट चलते हैं और लंच फिनिश करते हैं। मम्मी जी की रात की डिनर बनाने की तैयारी देखो अभी से चालू हो गई है। मम्मी पालक बनेगी क्या रात में? यार पालक बनेगी, सुबह धो दिए यार, वो तो पिचिर पिचिर हो गया। तो मौसम गीला था ना? नहीं, हवा नहीं लगा, वो गीला गीला मौसम रहा, पूरे पालक ना ऐसा हो गया पानी पानी, खराब हो गई। खराब तो नहीं हुआ है, मानो खूब अच्छा भी नहीं है, खूब अच्छा भी नहीं है। और सुबह कितना अच्छा खिला खिला पत्ती थी, पूरी पत्ती बर्बाद हो गई, पत्ती फट गई। और भाई यहाँ देखो पूरी पत्ती जो है ना अजीब टाइप की हो गई है, मिमुर गई है, क्या बोलते, सिकुड़ गई है, है ना, ये देखो। और सूपा गीला का गीला अभी भी पड़ा है, गलती हो गई मम्मी सुबह पालक धो के, पालक ना धो, है ना, क्या छाटने के बाद धोना चाहिए। सही बात है, आज मौसम में धूप भी नहीं निकली, गर्माहट भी नहीं थी, हाँ। और पंखे के नीचे रखे भी नहीं, उसे गीले गीले पूरी पालक की वाट लग गई भाई, इतनी शानदार पालक थी। चलो ठीक है, कट जाएगी, हाँ। दाल बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी, पर मम्मी की मेहनत जो है ना 2 गुना मेहनत हो गई मम्मी की। हो गई है अंधेरी वाली शाम, और शाम होते ही लगता है भाई गर्मा गर्म चाय मिल जाए, बनी बनाई नहीं मिलती भाई, बनाना पड़ता, तो मैंने चाय चढ़ा दिया है। और ये भाई साहब को चम्मच हिलाते देख के ना ये बस समझना कि चाय ये बना रहे हैं, ये सिर्फ चमचा हिला रहे हैं गाइस।
और ये देखो हमारे बर्फ जो है ना पता नहीं क्या ढीला हो गया है बटन यार, बीच में जल जाती है और कभी कभी बुझ जाती है। तो गाइस चाय बहुत शानदार, मैंने खांटी दूध की खाकी चाय बना रहा हूँ और वहां दूध भी चढ़ा दिया हूँ भाई। तो चाय और दूध और दूध और चाय एक साथ बनेगा। और ये भाई साहब नहीं बना रहे, ये सिर्फ चमचा हिला के दिखा रहे कि चाय मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ चाय, मैं बना रहा हूँ भाई। और ये खोलने से बचा रहे हैं, ठीक है। तो इनने कुछ ना कुछ किया है चाय भाई, इनके भरोसे छोड़ देंगे तो चाय उबल के पेन बह जाएगी, धीरे करके बात करता हूं बह जाएगी, बह जाएगी। अरे ये तो दूध बह गया, अरे यार दूध गिरा दिया गाइस, भाई साहब ने दूध गिरा दिया तो भाई चक्कर देख रहे, मेरे को गप्पे मारने चक्कर में तेज करके रखे भक्क से गिर गया, मैं धीरे करके गया था मालूम है, चश्मा में हल्का सा भाप जम गई तो पहुंचने गया, तब तक इन्हें तेज कर दिया पूरा दूध की ऐसी तैसी कर दी भाई, भाई साहब ने पूरा दूध गिरा दिया। मम्मी की डांट सुनो अलग और गैस साफ करो अलग, ये काम बढ़ा देते यार, इनको बुलाने नहीं चाहिए साथ में यार, जब आएंगे तब एक ना एक पलंजर फैला के ही जाएंगे। गाइस अब ये देखो भाई साहब जो गैस पे दूध गिरा है ना उसको उठा उठा के चाय में डाल रहे हैं, अब इनकी बत्ती जो है ना बुझने वाली है और मम्मी जी को पता चल गया गैस पे दूध गिर गया है। मम्मी फिर से सुनो, इनने दूध गिरा दिया, ले बेटा हमने अब चुगली भी कर दी, समझ रहे ना, अब पोंछो गैस कितना गया, एक पाव नहीं 100-150 ग्राम गिर गया भाई, भाई एक पाव दूध गिर गया, मैं सही बता रहा हूँ, भर गया एक पाव दूध गिरा दी भाई साहब ने। चलो अब तो भाई झाड़ू से पिटाई होगी जल्दी साफ करो फटाफट। भाई हमारे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और इनके लिए देखो हमने कितना शानदार उपमा नाश्ता में बना के लाए हैं और ये अभी तक खा नहीं रहे। भाई खा ले यार, नाश्ता खा लो, इतना सुंदर उपमा बनाया। खा रहा हूँ भाई, खा रहा हूँ। क्या है मेरा मोबाइल पूरा ठसा ठस पैक हो गया था ब्लॉक से, तो मैं उसको खाली कर रहा था यहाँ पर, अब मेरे मोबाइल में थोड़ी सी सांस लेने की जगह आई है तो मेरी भी सांस थोड़ी सी आई है, क्योंकि मतलब मोबाइल भरा था टेंशन होती है। और ये जो है ना खुशबू तो भाई मेरे को बहुत देर से आ रही थी, ऐसा नहीं मैं खुशबू नहीं आ रही थी, पर मैं यहाँ से उठ के ना जा नहीं पा रहा था। तो गाइस ये देखो कितना शानदार उपमा, ये देखो कितना शानदार उपमा है ना, कितना शानदार है। अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट रुको। नमक वमक बताओ भैया कैसा है? नमक बहुत बढ़िया, धनिया बहुत सही है, हरा मिर्चा है, मूंगफली है, टेक्सचर बहुत बढ़िया है। तीखा तो नहीं हुआ? अरे एक नंबर झंडाटेदार, झंडा मजा आ गया। होटल वोटल में क्या मिलेगा भाई साहब ने ऐसा बनाया कि साबुदाने ऐसी खुशबू आ रही है। हाँ ये बात सही है, साबुदाने की खिचड़ी जैसी खुशबू आ रही है इसकी ना, बहुत मस्त लगा भाई, मजा आ गया, एक नंबर, जाओ पास हो गए, इनाम दिया जाता है। समय हो रहा है 9:30 बजे, गर्मा गर्म डिनर तैयार हो भाई, खाने की बहुत ज्यादा हैवी इच्छा नहीं, तो मैंने मम्मी से बोला हल्का हल्का डिनर बनाओ मम्मी, तो मम्मी ने भाई बहुत शानदार डिनर बना दिया। ये है भाई आलू पालक की बहुत बढ़िया सब्जी और पराठा, पराठा और सब्जी, मस्त हल्का हल्का लाइट वेट खाना। तो फटाफट चलते हैं और पूरा डिनर फिनिश करते हैं। समय हो रहा है ठीक 11 बजे का। गाइस अब मैं बैठ के करूंगा भाई व्लॉग की एडिटिंग, तो व्लॉग की करते हैं यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।